अभी पोजीशनिंग नहीं पता, तो ये थोड़ा सा एक मजेदार फाइट आई बिलीव जरूर हमें यहाँ पे विटनेस करने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते देखते वाली बात ये रहेगी कि हमारा जो पहला जोन है वो किस तरफ जाता नजर आएगा। एक तरफ देखिए टीम आइस के प्लेयर्स हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर टीम कनी के प्लेयर्स हैं। दो दिग्गज यहाँ पर एक अलग अलग जो ब्रिज है वो होल्ड करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहला जोन हमारा किस तरफ मूव ऑन करेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेजेंड एज वेल एज यहाँ पर बिल्कुल डेंजर ने स्पॉट आउट कर लिया ह्यूमनॉइड को, और अब थोड़ी सी मुश्किल बढ़ सकती है टीम नोरानफ के प्लेयर्स की। बट लेट्स सी किस तरीके से ये फाइट्स इनिशिएट होती नजर आएंगी, किस तरीके से हमें हमारा जो पहला जोन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरा जोन यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस दिशा में जाया गया है और किस टीम को करा है फेवर। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कल लास्ट मैच में नदन पार्ट ऑफ द मैप्स की तरफ पूरा जोन जा रहा था, हर एक आईजीएल को लगा कि शूटिंग रेंज के अराउंड, लेकिन सडनली कुछ अच्छे श्रिंक्स, कुछ हार्ड श्रिंक्स यहाँ पर बोला जाएगा प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके चलते जोन काफी नीचे था। लेकिन ह्यूमनॉइड के ये शॉर्ट्स कनेक्शंस बना देंगे और ये लीजिए डेंजर यहाँ पर कर दिए जाएंगे टेक डाउन। लेकिन क्या ये एक ओपनिंग की दरकार थी, और जिस ओपनिंग दरकार थी वो तो मिल चुकी है, लेकिन क्या एग्रेशन आएगा या फिर डायरेक्ट रशीन आता ना चढ़ाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। मैं ये चेकआउट करना चाहता हूँ कि क्या वन नॉक पुश करने का दमखम ये टीम रखती है। फिलहाल के लिए स्टार के काइलो और कर्नांडो ये डिजर्व से कर चुके, बट तारीफ करनी पड़ेगी हाइड्रा के प्लेयर्स की भी। रशर जिस तरह से डेंजर को एक इंस्टेंट रिवाइवल मिला है वो काफी ज्यादा शानदार था। कनी को टेक डाउन किया जाएगा वन अभी किलोरा के ग्रेनेड के साथ, वन ईयर कर अभी टीम हाइड्रा की पर्टिकुलरली डेंजर। वहां पे मक्का भी काफी ज्यादा लोअर एच पे नजर आ रहे हैं, काउंटर पुशिंग करने की कोशिश की गई है टीम हाइड्रा की तरफ से, जो काफी ज्यादा गलत मूव हो सकता है। दो तरफा एंगल से घेर लिया गया है, काइलो का ऑफ कट एंगल को ब्लॉक किया जाएगा, उनको टेक डाउन किया है। डेंजर चालू है या फिर Thank you for watching this video.